brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. मालदीव्स में भले ही चीन की मर्जी की सरकार बन गई हो, लेकिन चीन के पास इतनी ताकत नहीं कि वो भारत को मालदीव्स पर ज्ञान दे या चुनौती दे या फिर दुनिया भर में जा जाकर झूठ फैलाए। चीन अपने प्यादों का इस्तेमाल करके भारत पर झूठ फैलाने की जितनी बार कोशिश करेगा उतनी बार चीन को कुचल दिया जाएगा। ये कई बार भारत साबित कर चुका है और इस बार भी जब चीन का मुँह खुला तो भारत इसे बर्दाश्त करेगा, ये उसने गलत समझ लिया। मालदीव में चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की नीतियों को अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कंट्रोल करेंगे, ये पूरी दुनिया जानती है। अब इसकी खुशी चीन से संभाले नहीं संभल रही है, इतना कि वो जो मन में आ रहा है बोल रहा है। अब चीन की सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि संसदीय चुनाव में मोइजू की पार्टी की प्रचंड जीत से चीन मालदीव के रिश्तों में और स्थिरता आएगी। मोइजू की जीत पर चीन की तरफ से बयान सामने आने के बाद ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक लेख में भारत का जिक्र करते हुए लिखा कि चुनाव के नतीजे बताते हैं कि मालदीव को भू राजनीतिक संघर्षों में फंसने के बजाय आर्थिक विकास पर ध्यान देने की अधिक जरूरत है। अखबार ने लिखा कि मालदीव के चुनाव ने पश्चिमी और भारतीय मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारत को यह समझना चाहिए कि मालदीव्स ने किसे चुना है। मालदीव्स ने आजादी का चुनाव किया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि राष्ट्रपति मोइजू का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, वो चीन और भारत दोनों देशों के साथ अच्छे रिश्ते कायम रखना चाहते हैं। शांघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंस्टीट्यूशन स्टडीज में चीनी दक्षिण एशिया सहयोग रिसर्च सेंटर के महासचिव की तरफ से कहा गया कि मालदीव एक संतुलित नीति अपनाना चाहता है, लेकिन भारत चाहता है कि मालदीव एक पक्ष चुने। भारत मोइजू और मालदीव के लोगों की इच्छा को भू रणनीतिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चश्मे से देख सकता है। मालदीव के लोग विकास पर फोकस करते हैं। चीनी अखबार के लेख में कहा गया कि भारत की कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मालदीव भारत से दूर होता जा रहा है। रिपोर्ट के अंत में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत के साथ मालदीव्स के भौगोलिक नजदीकी, व्यापार, संस्कृति, मानवीय संबंधों, ऐतिहासिक संबंधों को देखते हुए मालदीव्स सक्रिय रूप से भारत के साथ संबंधों को खराब करने की कोशिश नहीं करेगा। और बड़ी बड़ी बात बोलते हुए चीन ने जिस तरीके से भारत की छवि को पेश किया उससे साफ हो गया कि भारत को लेकर चीन को ये डर है कि मालदीव्स के साथ भारत राजनयिक संबंधों को मजबूत ना कर ले, क्योंकि अब तक जितनी भी खबरें सामने आई या जो कुछ भी हुआ वो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ही चीन बोलता और करता आया है। भारत सरकार ने मालदीव्स को लेकर अब तक कोई भी कड़ा रुख नहीं अपनाया है। अगर भारत के मन में मालदीव्स को लेकर जरा भी कड़वाहट या बदले की भावना होती तो अब तक सरकारी स्तर पर, आधिकारिक और राजनयिक स्तर पर मालदीव को कड़ी चुनौती मिल चुकी होती। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।